आइए, आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे एक स्टॉल लेके आई हूँ। तो इसके लिए जो हम लेंगे यहाँ पे फोर प्लाई ऊन लेंगे, लेकिन पतली वाली, और क्रोसिया नंबर यहाँ पे लेंगे हम 5 mm क्रोसिया। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चेन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम चेन लेंगे 4 के गुने में और 3 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। 4 के मल्टीपल से लेंगे यहाँ पे हम चेन और 3 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे। बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है और ये जो शॉल है आप कोई भी बना सकता है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। ये शॉल आपकी 1 दिन में बन के रेडी हो जाएगी। ये शॉल नहीं, स्टॉल है, सॉरी। आप चाहे तो शॉल भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चेन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। इस तरह से 4 के गुने में हम चेन बना लेते हैं पहले, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, हमने 4 के गुने में 20 चेन ले लिया। अब 3 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। 1, 2 और ये 3, यही 3 चेन को हम छोड़ देंगे, यानी कि स्किप कर देना है। क्रोशे पे धागा लेंगे और 4थी नंबर चेन पे 1, 2, 3 और ये 4, 4थी नंबर चेन पे हम लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हर एक चेन पे डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम यहाँ पे। बहुत इजी डिज़ाइन लेके आए हूँ। ये जो डिज़ाइन है हमारी 4 लाइन में बन के आएगी, ठीक है। ये हमारी बॉर्डर लाइन है, इसे आपको दोहराना नहीं है। इस तरह से करते हुए पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। आप अगर फुर्सत में बैठी हैं तो ये बहुत जल्दी शॉल बनके आपको, यानी ये स्टॉल बनके रेडी हो जाएगी है। और एकदम एक ही दिन में आप ये बना लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, इधर पलटना है। जहाँ से हमने एक चेन लिया इसी जगह पर डालेंगे, पहले एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन बनाने के बाद देखिए, अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3 और ये 4थी वाली चेन पे जाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लिया हमने, 5 चेन लेने के बाद फिर से हम 4थी चेन में डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे हम 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 5 चेन लेना है हमें, सॉरी, 5 5 चेन लेना है हमें। फिर से लेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लेने के बाद 4थी वाली चेन पे डालना है हमें, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे डाला, सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर लेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लेने के बाद फिर से हम 4थी चेन में डालेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर से लेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए, 4थी चेन में डालेंगे 1, 2, 3 और ये जो चेन हमने स्किप किया था इस चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम चेन लेंगे 4, 1, 2, 3 और ये 4, यानी 4 चेन हमने लिया। इधर पलट लेना आपको, 4 चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे देखिए 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, तीनों को 3 बार निकालेंगे, 1, ये 2 और ये 3। फिर लेंगे यहाँ पे 3 फंदों को 3 बार निकालेंगे, 1 बार निकालना, दूसरी बार और ये तीसरी बार। फिर से लेंगे 1, 2 और ये 3, ठीक है। 3 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेना है, फिर दूसरी वाली जो गैप आएगी इसमें भी हम सेम ही करेंगे, 1 बार फंदा निकालेंगे, दूसरी बार और ये तीसरी बार। फिर से लेंगे, 1 बार धागे को निकालेंगे, दूसरी बार निकालना और तीसरी बार, 2 हो गई। फिर से निकालेंगे, 1 बार निकाला, दूसरी बार और ये तीसरी बार। फिर लेंगे 1 चेन, यानी 3 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पे भी मैं कर लेती हूँ, यहाँ पे और इस तरह से, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी दूसरी लाइन कुछ इस तरह से कंप्लीट हुई। अब देखिए लास्ट में 1 और 2 बार धागा लेंगे और जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसे हमने बनाया हुआ था इस जगह पे आएंगे और 2 2 फंदे करते हुए 3 बार निकालेंगे, 1 बार निकाला, दूसरी बार और ये तीसरी बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3, पलट लेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब ये 3 के ऊपर 3 बनाएंगे उसी तरह से, 1 बार लिया, दूसरी बार और ये तीसरी बार। फिर लेंगे 1 बार 2 बार और ये 3 बार। फिर लेंगे 1, 2 और ये 3। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ भी डिजाइन आगे
चेंज हो जाएगी। ये ना सोचे कि सिर्फ इसी तरह से बनेगी, तो यहाँ भी इसी तरह से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये इतना कर लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी तीसरी राउंड कंप्लीट हुई, एक चेन वाली और दो हमारी डबल क्रोसे वाली, तो तीसरी लाइन हो गई। अब यहाँ पे क्रोसे पे धागा लेंगे, अब इस जगह पे डालेंगे, तीन बार फंदों को निकालेंगे हम इस तरह से, ठीक है। तो एक बार निकाला, दूसरी बार, और ये तीसरी बार। तो ये तीसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। चौथी लाइन देखिए किस तरह से बनेगी ये। यहाँ पे अब छह चेन बनाएंगे हम, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। छः चेन बनाने के बाद इधर पलट लेंगे हम, यानी सिक्स चेन हमने यहाँ पे बनाया। अब क्रोसे पे धागा लेंगे, अब तीन के ऊपर देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। इस तरह से लिए, एक बार फंदा निकालेंगे, फिर दूसरी बार एक क्रोसे पे ही छोड़ देंगे, फिर दूसरी वाली पे आएंगे, इसी तरह से बनाएंगे, एक बार फंदा निकाला, फिर दूसरी बार एक फंदा क्रोसे पे छोड़ेंगे, फिर तीसरी वाले पे आएंगे, इसी तरह से करेंगे, एक बार निकाला, दूसरी बार और एक फंदा क्रोसे पे ही छोड़ देंगे। सारे फंदों को एक साथ निकालेंगे, चेन बनाएंगे हम, एक दो तीन चार और ये पांच। पांच चेन बनाने के बाद फिर से यही डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। क्रोसे पे धागा लिए, यहाँ पे डालेंगे, ऐसे एक बार निकाला, दूसरी बार, ठीक है, फिर दूसरे वाले में डालेंगे, एक फंदा निकाला और दूसरा फंदा, एक एक फंदा क्रोसे पे आपको छोड़ते हुए जाना है। फिर लेंगे एक बार, दूसरी बार फंदा क्रोसे पे ही छोड़ देंगे, फिर लेंगे एक दो तीन चार और ये पांच, यानी कि फाइव चेन लेना है आपको, ठीक है। फाइव चेन लेते हुए जाएंगे और इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। फिर लास्ट में कैसे बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी चौथी राउंड भी कंप्लीट हो गई। लास्ट में आपको किस तरह से बनाना है, जो एक हमारी ये चेन बच गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लेंगे एक दो, दो चेन लेने के बाद क्रोसे पे हम इस तरह से धागा लेंगे, तो एक बार धागा लेंगे और यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे देखिए किस तरह से करेंगे, एक बार निकाला, दूसरी बार, यही चार लाइन बार बार आपको रिपीट करना है। तो एक बार और किस तरह से रिपीट करेंगे वो देख लीजिए, इस तरह से आएंगे, ठीक है। पहली चेन में डालना है आपको इस जगह पे, और एक सिंगल क्रोसे पहले करेंगे, इसके बाद पांच चेन बनाना आपको, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद लेंगे चार और ये पांच। पांच चेन लेने के बाद देखिए दूसरा वाला जो चेन है यहाँ पे आएंगे और सिंगल क्रोसे के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। फिर लेंगे एक दो तीन चार और ये पांच। पांच चेन लेने के बाद फिर से ये वाला चेन उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोसे के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर लेंगे एक दो तीन चार और ये पांच। पांच चेन लेने के बाद फिर से ये वाले चेन उठाएंगे और इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर लेंगे हम एक दो तीन चार और ये पांच, इसे लेंगे, यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर लेंगे पांच चेन, एक दो तीन चार और ये पांच। पांच चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम इधर से देखिए नीचे से चौथी वाली चेन, एक दो तीन और ये चार, चौथी वाली चेन पे हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोसे कर लेंगे। इस तरह से, ठीक है, देखिए नीचे हमारी थी एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ भी हमारे पास पांच गैप बन के रेडी हो गई होगी, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर आपको ये वाली राउंड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ और बड़ा सा पिक लगा दूंगी आपको, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से खूबसूरत सा ये पैटर्न बन के आएगा ये आपको। ये तो आप यहाँ पे 4.5 या 4 mm से इस तरह से बना सकती हैं। तो देखिए नीचे आप यहाँ पे साइड में झाला लगा सकती हैं नीचे साइड पे, या फिर ऐसे भी रखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये, या फिर नीचे से कोई आप यहाँ पे बॉर्डर लगा, बॉर्डर बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।